रितेश पांडे भोजपुरी में एक ऐसा इतिहास कायम करने जा रहे हैं जो नामुमकिन सा लगता है। जी हाँ, किसी भी रीजनल गायक के लिए ये एक मुकाम नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि 100 करोड़ व्यूज, जी हाँ, किसी भी गाने पे आना, किसी भी गाने पे आना बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि अभी 100 करोड़ नहीं हुआ है, 600, जी हाँ, 600 मिलियन रितेश पांडे का एक गाना पहुंच चुका है। और हम सभी को एक मुहिम चलानी होगी, जी हाँ, हम सभी को एक मुहिम चलानी होगी कि भोजपुरी सिंगर का एक गाना एटलीस्ट, जी हाँ, भोजपुरी के एक सिंगर का एक गाना हमें एटलीस्ट, कुछ नहीं तो भाई 1 बिलियन, जी हाँ, 600 मिलियन तो हो ही चुका है, फिर 700, 800, 900 और 1000, इसके लिए हमें 400 मिलियन का आंकड़ा पार करवाना है। बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन नामुमकिन सा नहीं है। गाना हिंदी में भी है और भोजपुरी सिंगर द्वारा गाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस गाने की पहुंच अब कितनी दूर तक है। वैसे हेलो कौन गाना बहुत फेमस हो चुका है, सभी इस गाने के मुरीद हैं, और अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी रितेश की इस काबिलियत पर उन्हें वाहवाही कर रही है। जी हाँ, चाहे वो पवन सिंह हो, पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, मधु शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, अमूमन भोजपुरी का हर बड़ा सितारा इन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो हमारी भी एक मुहिम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सिंगर का गाना 1 बिलियन हो, और हम भी गर्व से कह सकें कि भाई हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भी किसी से कम नहीं है। जुट जाइए, एकजुट हो जाइए, ये मत देखिए कि यहाँ पे पवन खेसारी और रितेश चल रहा है, यहाँ पर देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री के गौरव की बात है। तो चलिए आज से एक संकल्प लेते हैं कि इस गाने को 1 बिलियन पहुँचाना है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।